अद्वानी में अशोका लेलैंड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से बुद्ध पार्क के अंदर धरने पर बैठे हैं। लगातार धरने पर बैठने के बावजूद भी अशोका लेलैंड के कर्मचारियों की तरफ प्रशासनिक अधिकारी सुध नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज उन्होंने पकौड़ा तलकर अपना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर भीख भी मांगेंगे, जूते पॉलिश भी करेंगे, क्योंकि जो डिग्री हमको दी गई है ओपन विश्वविद्यालय से वह असली है, लेकिन अशोक लेलैंड के द्वारा उसको फर्जी बताया गया है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। अभी तो हमने पकौड़े तले हैं, आगे हम जूते पॉलिश करेंगे, फिर हम रोड पर झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे। सरकार हमको क्या क्या कराने को मजबूर कर रही है, तो हम वही चीज़ हम करते जाएंगे। हमने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से एक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किए और जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए गए विनय कुमार पाठक जी, उसमें पूर्व कुलपति रहे थे, उनके द्वारा ये कोर्स संचालित किए गए थे और जिनको चलाने के लिए उन्होंने अपना एक सहायक केंद्र स्मार्ट स्किल्स है उसके द्वारा इसको चलाया गया। और इस कोर्स को पूर्व श्रम मंत्री प्रकाश पंत जी द्वारा लॉन्च किया गया था। उस समय इन्होंने एक स्थायी जॉब का आश्वासन देकर इस कोर्स को चलाया और जिस कंपनियों किसानों ने एक MOU टाइप किया था विश्वविद्यालय ने मिलकर, उस MOU को छात्र छात्राओं से गोपनीय तरीके से वो MOU गोपनीय किया था और हम लोगों को स्थायी जॉब का आश्वासन देके इन्होंने हम लोगों से कोर्स करवाया। ये अगर सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी हमें नहीं द्वारा, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के जो VC साहब है वो नहीं देख रहे हैं। मतलब ठीक है, आज हम बेरोजगार हो गया, हम पकौड़ा कर ले, अगर ना आता ही कल हम जूते पॉलिश करेंगे या रोड में भीख मांगेंगे, और अगर इससे भी हमारा आमरण करेंगे, अगर इससे भी...